आप देख रहे हैं रफ्तार और मैं हूं आपके साथ निकिता पांडे। बिग बॉस का ग्रैंड फिनाले हो गया है। शो की ट्रॉफी मुनव्वर फारूकी ने अपने नाम की है, लेकिन फैंस के दिलों में अभिषेक कुमार ने एक अलग जगह बना ली है। अभिषेक को हर किसी ने बहुत पसंद किया, इसी वजह से उनकी घर में री एंट्री भी हुई थी। साथ ही हैशटैग वी सपोर्ट अभिषेक का भी ट्रेंड काफी तेजी से देखा गया। फैंस की इसी प्यार की वजह से वो टॉप टू में अपनी जगह बना पाए। शो से बाहर होने के बाद अब टॉप कंटेस्टेंट मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। अभिषेक कुमार ने भी अपनी जर्नी के बारे में बातचीत की। अभिषेक ने मीडिया को बताया कि उनकी जर्नी बहुत लाजवाब। आगे उन्होंने कहा कि मैं ये सोच कर आया था कि मैं विनर बनूंगा, ये ट्रॉफी नहीं जीती लेकिन दुनिया का दिल जीत लिया, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। जो भी मुझसे मिल रहा है ये बोल रहा है कि आप डिजर्विंग थे। अभिषेक ने एक्स गर्लफ्रेंड ईशा मालविया के बारे में भी बात करते हुए कहा कि मैंने पिछले एक साल से उसे कोई कांटेक्ट नहीं किया और हमारे भी सब खत्म हो गया है। साथ ही उन्होंने अपनी फैंस फॉलोइंग पर बात करते हुए कहा कि मुझे बाहर आकर पता चला कि लड़कियों से ज्यादा मेरी माँ मेरी फैन है, इसलिए मैं सभी माताओं को नमस्कार करके उनका आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। समर्थ से लड़ाई पर अभिषेक ने सॉरी कहा और बोला कि मेरा हाथ उठना नहीं चाहिए था पर हो गया, लेकिन बाहर आकर मुझे पता चला कि इस वजह से मैं हीरो बन गया हूँ, मैं इस चीज के लिए गिल्ट। इस वीडियो पर आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल रफ्तार को फॉलो करना ना भूलें। ऐसे और भी वीडियोस को देखने के लिए अभी फॉलो करें हमारे चैनल रफ्तार को।